खैर जो कि मैंने कहा था नेड उसने फेंका, लेकिन क्योंकि मैं नीचे चला गया था तो वो बाद में फूटा, और अब मैंने सोच लिया था कि मैं जाके मारना ही पड़ेगा। और भाई अगेन मतलब क्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले लगभग 3 बार मेरी लेजेंड के साथ मैच मेकिंग हो चुकी है और अभी तक मैं ही उस पर भारी पड़ता आ रहा था, 3-0 का स्कोर चल रहा था, लेकिन अगेन चौथी बार जो है वो मेरे मैच मेकिंग में आता है। और इस बार हुआ क्या भाई वो तो आपको आखिर में पता चलेगा, लेकिन इस बार लेजेंड ने साबित कर दिया कि भाई लोग उसको क्यों लेजेंड बोलते हैं। फिलहाल मिलिट्री बेस उतरे थे हम और यहाँ पर हमारे वाली बिल्डिंग में आने का रिस्क किसी ने भी नहीं लिया। 3 टीमें उतरी बिल्कुल पीछे की साइड और हम क्या करते हैं, ऐसे गनमैन जो भी मिली हमको उठा के सीधा वो अपने टीममेट को बोलते हैं कि भाई तू भी एक काम कर पीछे आ जा, और छत से मेरे को गन मिल जाती है। कौन थे मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे 1v1 होने वाला था उनका, और अब देखो कैसे पेलते हैं वो वाली टीम को। अब यहाँ पे ये वाले बंदे को नॉक करने के बाद मैंने इसका नाम नहीं पढ़ा, लेकिन बारी थी इसके दूसरे बंदे को मारने की जो कि पीछे छिप रहा था, और यहाँ से मुझे उसकी टांगे दिखती है। और देखो और यार ये वाले बंदे को जिस जगह से कवर लेके मारा ये सोच रहा होगा कि इसको गोली पड़ी कहाँ से। अब जो पीछे लेजेंड मारा वो जो है नकली वाला था, उसका नाम पढ़ के जो कन्फ्यूज मत हो जाना कि भाई तुमने तो हमारा चूते गाड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, असली वाला जो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो हम निकलने की तैयारी कर रहे थे, एक बंदा जो मेरे पर रश कर देता पता नहीं कहाँ से है, क्योंकि इस तरफ जो कोई भी बंदा नहीं था, और तब पता चलता है कि ये भाई साहब तो बॉट निकले। अब यहाँ पे अगर हमने इनको पहले फ्लेयर लूटने दिया तो भाई ये वाली टीम जो है भारी हो जाएगी हम पे, डैश वाइज जो है हमको इनको पहले ही मारना पड़ेगा जब तक कि फ्लेयर आता है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ नेट कुक करता हूँ। लेकिन जैसे उसने मेरा नेट कुक सुना उसने भी अपना नेट कुक कर दिया उधर से, और क्योंकि मैंने पहले कुक किया था डैश वाइज पहले मैं फेंकूंगा, लेकिन उसने पहले फेंक दिया और फूटा तो मेरा पहले, लेकिन वो बंदा भाग गया था अपना नेट फेंक के, और यहाँ पर मेरे को वो अच्छा खासा डैमेज दे गया। और उसके बाद ये दोनों के दोनों भाई मतलब क्या ही नेट फेंके इन्होंने, एक नेट जस्ट मेरे बाजू में आके गिरा जिसमें अंदर आया यहाँ पे भी फटा है, बट वो ऊपर वाले फ्लोर पे था इसलिए मैं बच गया। और इसलिए मैंने सोच लिया था कि भाई जस्ट रश ही करना पड़ेगा इन पे, क्योंकि ऐसे तो काम चलने नहीं वाला, वो छोटी सी बिल्डिंग है और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं सक्सेस भी हो जाता हूँ, लेकिन अब ग्लिच देखना क्या होता है। मतलब यहाँ पे किसी को भी कोई भी आवाज़ आई, कौन मार रहा है किधर से मार रहा है। यहाँ पे मेरे टीममेट ने मेरे को क्लच करके बचा तो जरूर लिया, लेकिन एक चीज़ आपको पता होगी कि ये क्लिच जो है पबजी में तभी आता है जब कोई बड़ा अपडेट आने वाला होता है। अब यार वहाँ से निकलने के बाद जैसे जोन में आया तो यहाँ पे मेरे टीममेट का टाइम पूरा हो चुका था, हुआ क्या वो आप जस्ट देखो यहाँ पे। अब जैसे टीममेट नॉक हुआ तो मैंने कवर फायर दिया इसको और बदले में जो है उनका भी एक नॉक कर दिया। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल फिट टू हिसाब बैठ रहा था, लेकिन वो बंदे जो है फिनिश कर देते हैं, और जस्ट रिएक्शन देखो मेरे टीममेट का भी। आप छोड़ो फिनिश क्यों किए लोगों, खैर ये सब छोड़ो, अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस मैच की सबसे खतरनाक और चालाक टीम, टीम शकुनी मामा से। इनको मैं शकुनी मामा क्यों बोल रहा हूँ जस्ट देखो आप। पहले तो इन्होंने मेरे डर से पूरी गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, यहाँ पे इतना डर गई थी ये, बट मेरे को भी इनका इलाज पता था, यहाँ पे मेरे को सारे के सारे एंगल पता थे इस घर के, इसलिए मैंने उसी जगह पे नहीं फेंका और उसको नॉक कर दिया। अब नॉक करने के बाद कोई ग्रेनेड बचा ही नहीं था, अदरवाइज मैं दोनों को फिनिश भी कर सकता था भले ही मैं ऊपर ना जा पाऊँ, लेकिन ये नहीं, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो ये लोग जो है डील करने की कोशिश करते मेरे से। हाँ भाई हेलो हेलो, अरे टीम अप करे क्या, प्लस करना यार, कब से माइनस हो रही है भाई, मत मत मारो। अरे भाई ऐसा कैसे मारेंगे यार, बस तुम बचा लिया हम लोग को बहुत हो गया, गाड़ी हम लोग की गाड़ी मत लेके आओ भाई। भाई मेरे को ये लोग बहुत ही भोले लगे, पहले तो ये बोल रहे थे भाई बहुत माइनस हो रहा है, तुमने मेरे को बचा लिया, हमको मत मारना, जोन में जाना है हमारी गाड़ी लेके मत जाओ। तो मैंने बोला ठीक है नहीं जाएंगे भाई तुम्हारी गाड़ी लेके, लेकिन तुम भी मेरे को जो धोखा वोखा मत दे देना भाई। ठीक हूँ मैं, फिलहाल ये लोग निकले, अब मेरे को भी जोन में जाना था तो मैंने सोचा यार मैं भी निकलता हूँ, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो रहा है, लोग दूर दूर से मारे पहाड़ से, तो मैंने सोचा यार मैं भी निकलता हूँ। ये लोग तो चुपचाप चले गए, यहाँ पर भी मैं मार सकता था लेकिन नहीं मारा, सोचा कि चलो मैं भी चलता हूँ, बट भाई क्या खोपड़ी घूमी इनकी। और भाई उसके बाद जो डेविल हंसी ना इस बंदे ने, मतलब मैं क्या ही कहूँ भाई। खैर जो भी हो इतना दिल पे नहीं लेने का, धोखा देते तो देने दो, बट गेम है यार, गेम तक रखो इसको। फिलहाल आते हैं पोचिंग की में। अब ये वाले मैच में होता है लेजेंड एक्स, आप बोलोगे अभी तक लेजेंड एक्स क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो ये वाले मैच में रहता है। अब यहाँ पे हम उतरे थे पोचिंग की, हमको नहीं पता था लेजेंड एक्स है ये वाले मैच में,
क्योंकि यहाँ पे जो है ना तो उसको पता था मैं यहाँ पे हूँ और ना मेरे को पता था, क्योंकि मैंने अपने टाइटल जो है विजिबल नहीं कर रखे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं लॉबी में हूँ और ना ही मैंने जो है आरपी खरीद रखी है। अब यहाँ पे हम दोनों को नहीं पता था, लेकिन इसके बाद यहाँ पे होती है बहुत डेविल फाइट और लेजेंड एक्स का नाम आता है। अब क्योंकि इस तरफ जो है 3-4 टीमें उतरी थी और वो सब टीमों को जो है लेजेंड एक्स की टीम ख़त्म कर दी थी और साथ में मेरी में भी होता है, और ये फाइट जो है अभी भी चल रही थी पीछे। जस्ट देखो मैं आता हूँ यहाँ पे इस वाले बोट को मारने के चक्कर में, और यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने लेजेंड का किल चुराया, जो बॉट मेरे इधर से भाग रहा था उसको लेजेंड नॉक किया, लेकिन एट द एंड तुम्हारे भाई ने उसको फिनिश किया। अब मेरे को पता था भाई लेजेंड एक्स जैसा बंदा कभी भी नेट कर सकता है और कहीं भी नेट से कर सकता है, क्योंकि उसके नेट बहुत परफेक्ट होते हैं। दैट्स जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया और एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे नेट कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे भी नेट किसी न किसी तरीके से वो फेंक ही देता। दैट्स जो मैं पीछे कूद गया, बोला कि भाई अब जो भी होगा यहीं से होगा, और इतनी देर में फायर आता उस बंदे का। खैर जो कि मैंने कहा था नेट उसने फेंका, लेकिन क्योंकि मैं नीचे चला गया था तो वो बाद में फूटा, और अब मैंने सोच लिया था कि भाई जाके मारना ही पड़ेगा। और भाई अगेन मतलब क्या ही कहूँ मैं भाई, 4-0 हो गया अभी साहब। और लेजेंड इसके कमेंट में एक चीज़ ज़रूर लिखना कि भाई लेजेंड ऑलवेज लेजेंड, ताकि उसे पता चले कि भाई वो कितनी बार मर चुका है। फिलहाल यहाँ पे मेरे में भी था और मेरे में को भी मारना था, लेकिन जैसे मैंने लेजेंड को नॉक किया तो मेरा रिलोड आया और मैं ऊपर भाग गया ताकि मैं रिलोड कर सकूं और दोबारा मार सकूं, लेकिन इतनी देर में मेरे टीममेट ने उनको मार दिया। अब यहाँ पे कोई था नहीं तो हमने सोचा निकल लेते गाड़ी लेके, निकल भी लेते हम, लेकिन कुछ फुस्टे पाते हैं यहाँ पे से। अब वेक्टर थी मेरे पास गन, और एक टिप देता हूँ, कभी भी वेक्टर को लेकर रश मत करना और प्री फायर तो कभी भी मत करना वेक्टर का, क्योंकि जैसे आप बटन दबाओ कि एमओ सारी की सारी ख़त्म, चाहे 50 रख लो फिर भी ख़त्म हो जाएगी, इतना फास्ट इसका फायर रेट है। और मैं यही गलती करता हूँ यहाँ पे, जितना डैमेज देना था मैंने दिया, यहाँ पे थोड़ा सा रिलोड किया और जस्ट पुश कर जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा जो है हील लगा रहा था। और यहाँ पे ये वाली टीम को भी इजी फिनिश कर दिया। अब वेक्टर का कोई काम नहीं था जब आपके पास एक केम होती है। डैश वाला जो मैंने डीपी के साथ उसको जो है रिप्लेस कर दिया।